क्योंकि कोई भी सस्ती शोहरत हासिल करने वास्ते या किसी भी ही ढोन वास्ते कोई अपने सारे कपड़े नहीं उतार के बहा देंदा। उस बाद मेरे नाल इन्हां दी थोड़ी अनबन हो गई, मतलब दो तीन वाकई इकट्ठे हुए तो इन्होंने पता नहीं हो रहे यह थिएटर नूं बंद करवाने के चक्कर च उन्होंने यह हरकत की कि कुड़ियों की मैं वीडियो बनावांगी तो इतने कोई होर काम नहीं करेगा। बस उन्होंने यही सी कि थिएटर बंद होवे क्योंकि उन्होंने इस थिएटर चों कढ़िया गया सी थिएटर दे विच कि कुड़ियां दे कपड़े चेंज करते हैं वीडियो बनाई जाती है तो वो सानू बिल्कुल आइडिया नहीं सी, सानू कोई बिल्कुल बंदा अन्ना नहीं हो जाता। जे तुहानू साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है तो साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि साडियां आने वाली नवीं वीडियो तुहानू बर वक्त मिलदियां रहन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन तुहाडी खिदमत च हाज़र है तुहाडा होस्ट बाबर बेग और तुसीं वेख रहे हो अपना ए बी एच डी टी वी। नाज़रीन अज असी उस कैबिन च मौजूद हाँ जिथे चंद दिन पहले इत्थे एक गैर खलाकी हरकत जिहड़ी उह सामने आई है। सो जिन्हें भी की है औरत औरत है, औरत की तजलील करना एडी कोई अच्छी गल नहीं, या इस तरह की तजलील करके अगर जातियात भी हो ते फिर भी मेरा ख्याल है इस तरह की तजलील अच्छी गल नहीं। ए ही कैबिन ने जिन्हें कैबिन के वीडियो बनी उत्थे असीं बैठे हैं, साडे नाल मौजूद है जी महक नूर। महक नूर नाल गल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। महक बड़े दुख ना कहना पैंदा लेकिन चूंकि इहदे ते तुहानू अपना जिहड़ा मतलब जवाब देना पेगा, लोग सुनना चाहते ने कि हकीकत की है सच की है। सो ये हर बंदे नू पता लग गया कि तुहाडा मिसऐप होया, तुहाडी जिहड़ी वीडियो है वह जानबूझ के बनाई गई, लेकिन यह किस तरह वाकया हो गया, तुहानू कोई इलम नहीं होया, तुहानू कोई पता नहीं चलिया? सर अगर पता हुंदा तां साडी वीडियो ही ना बनदी क्योंकि कोई भी सस्ती शोहरत हासिल करन वास्ते या किसी भी ही ढोन वास्ते कोई अपने सारे कपड़े नहीं उतार के बहा देंदा। देखो कर दी होनी लड़कियाँ अलहमदुल्ला, मेरा मैं 7-8 साल काम किया, मैं पूरे कपड़िया च काम किया, मैं किनिया फिल्मा छड़िया ने, किन्ने ड्रामे छड़े ने ऐसे वजह तो कि मैं नंगे ड्रेस नहीं पाने, मैं पेट नंगा नहीं करना, मैं स्लीवलैस नहीं पाने। अलहमदुल्ला मैं कभी भी यहोजा काम, अगर देखो औरत को सिर्फ एको इज्जत होंगी है, इको रिस्पैक्ट होंगी अपनी है, लेकिन वो ही चलेगी तो फिर पिछे की रह गया। लेकिन तुसी जानते हो कि इन्दे च अलहमदुल्ला मैं कभी ऐसा काम नहीं किया तो मैं एडी घटिया हरकत करके सस्ती शोहरत हासिल क्यों करांगी। अच्छा एनिया जिहड़ियां वीडियो बनियां ने मतलब लाजमी गल है वह वक्फे वक्फे ना बनिया होणगियां या मुख्तलिफ दिनां च बनिया होणगियां, तो कभी कन सन च कोई ऐसी खबर नहीं हुई, किसी नूं भी शक नहीं, जरा भी रत्ती बराबर होया? वो तो मैं वीडियो भी देख रहा कि कह रहे हैं मोबाइल तेरा ला देना, यह मेरा मोबाइल लाता जे मोबाइल लग गया, वो मैं वीडियो भी देखे है। सर एक उन्हें मैमरी कार्ड भर के दिता सी उन्होंने, वो कम से कम उन्दे च 3-3.5 घंटे की वीडियो है जिहड़ी मतलब उन्हें मखसूस 5-5, 6-6 मिनट दियाँ कढ़ के उन्हें अपलोड कीतियां ने जिथे के कुड़ियां कपड़े चेंज कर रही होंदिया ने, उंज ते वो काफ़ी लंबियां वीडियो ने, काफ़ी वड्डियां ने, घंटे घंटे की भी वीडियो है। लेकिन यह तो वो उन्दे बकोल है ना जिन्हें बना के दित्तियां ने, वो दस रहे हैं कि मैं उन्होंने एक भर के मैमरी कार्ड दिता है जी, उन्होंने कोल मौजूद है मैमरी कार्ड, और जो दो गुजर होंगे ने उन्दे नाल उन्होंने जड़ा ना उन्हूं ऐसी ऐप डाउनलोड करके दिती सी जिंदे च पता लगता है वेखन च कि सिर्फ रिकॉर्ड हो रही है लेकिन वो वीडियो भी बन रही होंगी है। सानू तो पता ही नहीं, स्क्रीन ब्लैक है फोन की, इतने चार्ज ला गया स्विच के कोल तो सामने बस फोन पे है, तो की पता चलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह पहली दफ़ा वाकया होया है थिएटर के विच कि कुड़ियों के कपड़े चेंज करते हैं वीडियो बनाई जाती है, तो वो सानू बिल्कुल आइडिया नहीं सी, सानू कोई बिल्कुल बंदा अन्ना नहीं हो जाता। थिएटर अज तक होया ही नहीं, होता है ना कि बई फलानी कुड़ी की बनी असी भी एहतियात करिए, ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕੀ ਵਾਕੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹ ਸਿਲਕ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ, ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ? ਅਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ, ਤਿੰਨ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਾਜ਼ੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੁਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਮੇਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਔਫ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕੈਬਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
या मेरे फोन च ही ना सिस्टम कर दे। मैं अपना फोन भी बाहर रख के मैं लाइटा ऑफ करके मैं चेंज करनी है। मैं इन्ना डर गई, इन्ना खौफ खा गई, लेकिन अलहमदुल्ला मैं इंदा इंसाफ लेके रवानगी। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तुसी सुनी होगी, अगों उन्हों का भी रिप्लाई आया है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जवाब देंगी इन्हों भी। तो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की बारे की कहोगे? उनके बारे मैं यही कहूँगी बहुत जल्द मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराँगी, मैं भी उन्होंने उन्होंने गलों का जवाब देंगी। हालांकि फस्ट ऑफ ऑल तो मैनू नहीं लगता कि उन कोई एड्डी खास गल है इस केस के रिलेटिड। तो जड़ा मतलब जातियात की बिना तो हो रंजिश की बिना तो हो कोई लड़कियों की चकपलश सी आपस च या वैसे गैर इरादी तौर पर अचानक सामने आया? देखो मैं पहले भी काफ़ी इंटरव्यू कह चुकी हूँ कि इन्हों का मलिक तारिक साहब जोड़े शालीमार के थिएटर के मालिक ने, शालीमार थिएटर के उन्होंने कोई पैसों का इशू से। उस तो बाद मेरे ना दी थोड़ी अनबन हो गई, मतलब दो दिन वाकई इकट्ठे हुए तो इन्होंने पता नहीं हो रहे यह थिएटर बंद करवाने के चक्कर उन्होंने यह हरकत की कि कुड़ियों की मैं वीडियो बनावगी तो इतने कोई होर काम नहीं करेगा। बस उन्होंने यही सी कि थिएटर बंद हो क्योंकि उन्होंने इस थिएटर चों कढ़िया गया। अच्छा इतों इस थिएटर के मैडम नू खुशबू नू फारग किया गया जी, उस खिज च उन्होंने आके किया। तो यह जो मामला होया जिन्हें भी किया जिस तरह भी होया ये हवाले नाल की मैसेज दोगे लोगों को की कहोगे? मैसेज मैं यही कहांगी कि साढ़े नाल रवो, हक दे नाल रवो, सच्चाई दे नाल रवो, इंशाल्लाह असी बहुत जल्द इंसाफ लवेंगे। तो बस दुआ करना। साढ़े नाल सी महक नूर, मेरे ख्याल के मुताबिक तो जिन्हें भी किया खैर ये वक्त साबित करेगा कि किन्ने किया, क्योंकि किसी नू कम से कम असी तो फाइनल नहीं कर सकते या किसी के बारे च असी नहीं कह सकते कि फलां ने किया। अलबत् जिदा जिदा नाम आ रहा है वो सामने में सारिया के और बहुत सारे तुम चैनलों के और इंटरव्यूज देखे है वो बारे से दो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी ने, जिड़ी कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सी वो शालीमार दियां आर्टिस्टा ने की सी जिस महक नूर जारा और सिलक शामिल सन, और सैकेंड जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैडम खुशबू खान ने कल दे दिन च की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो जवाब है कह रहे हैं जी जस्ट असी दो तीन दिन बाद जड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की गल करते हैं सामने आते हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पर मलिक तारिक साहब का जो मौकफ है असी उन्होंने को लिया वो सामने आ गया है। अगर साढ़े को जी दूसरी पार्टी है सैकेंड पार्टी है अगर उन्होंने भी कोई मौकफ देना चाहेगा असं राबता करा इंशाल्लाह वो भी असं सामने रखा ताकि जी हकीकत खुल सके सामने आ सके, हर बंदे मौकफ देने का हक है, साडा प्लेटफॉर्म इस गल वास्ते हाज़र है। सो तुसी इस बारे अपनी राय देना कि अगर रंजिशा हो जाए, अगर कोई मसाइल हो जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, सानू उन्हां नूं इस तरह हल करना चाहिए या मिल बैठ के करना चाहिए, ये जो होया सही होया या गलत होया जिन्हें भी किया जिन्हें भी करवाया ये वक्त साबित करेगा, लेकिन की आया कि अच्छा है इस बारे तुसी रिप्लाई करना। ये नाल ही मैं तुहाडे कोलों इजाजत चाहवागा, फिर इंशाल्लाह तुहाडी खिदमत च हाजिर होवांगा किसी नवे वीडियो नाल। उदों तक इजाजत दिओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जे तुहानू साडा चैनल ते साडी वीडियो पसंद आई है तो साडा चैनल सबसक्राइब करो ताकि साडियां आने वाली नवीं वीडियो तुहानू बर वक्त मिलदियां रहन।